आदमी अपने प्रेजेंट से कभी भी खुश नहीं रहता। जैसे मेरे को 6 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, वहाँ पे सोचते थे कि यहाँ पे आए तो ठीक होगा, पर अब वापस लगता है कि नहीं, वहीं पे अच्छे थे। बहुत उथल पुथल होती है। इसकी वजह है अज्ञानता। वर्तमान में वर्ते सो सदा ज्ञानी होए, भूत वस्तु सोचे नहीं। भूतकाल गॉन फॉर एवर, वापस कभी आएगा नहीं। भविष्य में क्या होने वाला है वह किसी को पता नहीं। तो हम भूतकाल का सोचे या भविष्य का सोचे, दोनों रॉन्ग है। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, कभी भूतकाल में कई और वर्तमान का नहीं देखते, भविष्य का नहीं देखते, वर्तमान में क्या है वो। और जो वर्तमान में है ना, वही महासुखी है। भूतकाल में गए या भविष्य में गए तो दुख आए बगैर रहेगा ही नहीं। समझ में आया ना? भूतकाल तो वंस द थिंग इज गॉन, एक सेकंड बीत जाने के बाद भूतकाल कहा जाता है। एंड इट कैन नॉट कम बैक, सो वाई टू वरी फॉर दैट। जो कभी वापस आने ही वाले हैं तो उसको फॉरगेट, छोड़ दो। नेक्स्ट मोमेंट वर्तमान में आ जाओ। भी क्या है वक्त, आप हम क्या करते हैं, भूतकाल में जाके भविष्य में जाके हमारा ब्यूटीफुल वर्तमान है ना, उसको मिस करते हैं। अभी जो वर्तमान आया उसको आप पॉजिटिव रहकर उसको उसका निकाल करो, उसके उसके पास से बेस्ट जो है उसको एंजॉय करो। उसमें से जो फायदा ले सकते हो लो। तो यह बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, जो ये ऐसा वर्तमान में नहीं रह देती है, वर्तमान का सुख भुगतने नहीं देती है, और भूतकाल में ले जाती है, भविष्य में ले जाती है, और दुख 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 ही ले आती है।